हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट टिक्स में। और आज क्या है आपके सामने कुछ खास यही जीके में, जीके या जीए की बात करें तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं दक्षेस, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट स्थापना की गई 1985 ढाका बांग्लादेश में। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि हेडक्वार्टर कहाँ, तो काठमांडू नेपाल, लेकिन फंसते कहाँ है इसके मेंबर्स कंट्री यानी जो सदस्य देश है वहां, तो कितने मेंबर हैं? टोटल 8 मेंबर हैं, लेकिन जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय ए जो है वो नहीं था, केवल 7 सदस्य थे। अब कितने हैं? 8 मेंबर हैं, तो कैसे याद रखें? आ एमबीबीएस पेन यानी ए फॉर अफगानिस्तान, एम फॉर मालदीव, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, ए फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया दैट मींस भारत, और 8वां नंबर में एन फॉर नेपाल। लेकिन हम मात कहां खाते हैं? ये वाले पोर्शन में, मालदीव। क्यों? क्योंकि जब भी सेटर देगा इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, वहां पर आपके ऑप्शन में म्यांमार जरूर आता है। और याद रहे, म्यांमार में पहले डेमोक्रेसी नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, जब आंग सान सू की आई तब जाकर डेमोक्रेसी आया वहां। और जितने भी कंट्री हैं आप देख रहे होंगे सब के सब क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक देश है। इस कारण से दक्षेस में सार्क में जितने मेंबर हैं वो सब कौन से हैं, तो लोकतांत्रिक देश हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाए तो म्यांमार ना कर होगा क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जब नेक्स्ट समय मिलेंगे तब देखेंगे कुछ और मजेदार ट्रिक्स। तब तक के लिए थैंक यू।